हेलो गाइस, तो बुढ़ाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देने आया हुआ हूँ। सीट मैट्रिक आप लोग का जारी हो गया है, सीट मैट्रिक्स आप लोग का जारी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने सीट वैकेंट रह गए हैं जो कि सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप टोटल मैं बता दूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग में लगभग 88 से 89 लोगों ने अप्लाई किया। ये वीडियो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में अफसोस होगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए। 8800 से लगभग 9000 रैंक तक लोगों ने, मतलब 8800 से 9000 लोगों ने अप्लाई किया था। बहुत सारे 2-3 हज़ार तो अप्लाई भी नहीं किया फर्स्ट काउंसलिंग में, छूट गया, वो भी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि कुछ का मुझे मैसेज आया हुआ था कि सर कुछ रीजन से जैसे कि बाहर चली गई थी, घर चली गई थी, तो वो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में कितना लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 25000 रैंक तक के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको कॉलेज मिल चुका था वो लोग भी कॉलेज में एडमिशन ना लेकर वो भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे वैसे मैसेज मुझे आए हुए हैं। तो आप ये समझिए कि 8800 में मात्र 3000 लोगों ने एडमिशन लिया इसी के आसपास, तो लगभग 5000 लोग इधर से अप्लाई करेंगे, है ना, 1000 का छूटा हुआ, और बाकी जो इधर अलग से 13000-12000 लोगों को बोला जा रहा है। तो आप समझ रहे कितना मतलब कि ज़्यादा हो गया। देखिए 5 और 1 6 12 18000 लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हो सकता है 19000 भी लोग अप्लाई करें, या फिर 15000 लोग तो करेंगे ही करेंगे अप्लाई, ठीक है, सेकेंड काउंसलिंग के लिए। तो पिछले बार से ज़्यादा लोग करेंगे, जबकि पिछले बार 8000 लोग ही किए थे, 8500। तो आप लोग को कॉलेज, आप लोग को लग रहा होगा कि सीट वैकेंट रह गया तो वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ हैं, अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे मैं गलती बता रहा हूँ, चलिए सबसे पहला मैं कॉलेज आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोलूँगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ संत कोलंबस। क्या लोग गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ, संत कोलंबस कॉलेज जो कि VBU के अंडर आता है। अभी मैं कुछ और कॉलेजों को एग्जाम्पल दूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनना। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या गलती आप लोग करोगे और क्यों मास्टर गाइडेंस वीडियो आप लोग को देखना इंपॉर्टेंट है। मास्टर गाइडेंस वीडियो जो लोग नहीं देखेंगे उनको दिक्कत होगा अप्लाई करने के बाद, उनको कॉलेज चुनने में प्रॉब्लम होगा। मास्टर गाइडेंस वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जाके देख लीजिए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूर देख लीजिए। जैसे संत कोलंबस कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग हो गया है, और यहाँ पे देखिए ये एडमिशन जितना ले चुके हैं इसका चार्ट है, मतलब 100 सीट यहाँ पे टोटल है। जनरल में 21 लोग एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए EWS में 5 लोग एडमिशन लिए। EWS का ये डाटा है, ये SC का है, ये ST का है, ये BC1 और ये BC2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 19 लोगों ने जनरल में मतलब कि एडमिशन अभी तक नहीं लिया। तो आप यही सोचोगे ना कि 13500 तक सर अप्लाई किया था, जिसमें से 21 सीट तो फुलफिल हो गया, 19 सीट बाकी है, मेरा 15000 रैंक है, ध्यान से सुनिए, मेरा 15000 रैंक है, मुझे तो कंफर्म ये कॉलेज मिल जाएगा। सर आपके पास यही दुविधा है कि क्यों मिल जाना चाहिए, ऐसा ही लग रहा है ना कि मिल जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में, नहीं मिलेगा संत कोलंबस। संत कोलंबस का क्लोजिंग रैंक जानोगे ना तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो संत कोलंबस कॉलेज 15000 के आसपास, क्या बोलूँ मैं, 800 रैंक इनका क्लोजिंग रैंक लगभग गया है। आप समझ लीजिए 800 क्लोजिंग रैंक लगभग गया है ये जनरल का, और अभी भी यहाँ पे 19 सीट खाली। तो ये मत समझ लेना कि मेरा 15000 रैंक है तो ये कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, यही कन्फ्यूज़न होता है सीट मैट्रिक्स देख के, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स मुझे लगता है कि जो लोग हमारा मास्टर गाइडेंस वीडियो देखे हैं उसके लिए मास्टर गाइडेंस वीडियो से अच्छा कोई नहीं है। यहाँ पर और आप फंस जाओगे, आप सोचोगे कि 13500 तक में जब यहाँ पे 21 लोग अप्लाई किए और 19 लोग अभी भी बचे हुए, तो मेरा 15000 तो एडमिशन हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ सेकंड काउंसलिंग में आपको ये कॉलेज फिर से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि संत कोलंबस कॉलेज में जब क्लोजिंग रैंक 800 गया है तो अब हो सकता है कि 1500 रैंक तक वालों को ये जगह दे दे, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो चलिए संत कोलंबस का मैं अपना मास्टर गाइडेंस वीडियो के हिसाब से आपको पहले मैं क्लोजिंग रैंक दिखा देता हूँ, तब आप लोग को पता चलेगा कि कितने रैंक तक गया है और कितने रैंक तक का एडमिशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये मत देखना कि यहाँ पर 19 सीट खाली है, जनरल में और भी मैं कैटेगरी का दिखा देता हूँ। EWS में 5 सीट खाली है, कि देखिए SC ST है ना, BC1 BC2, लगभग आप देखिए कितना बहुत सारा सीट खाली रह गया तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो ये आपको भूल होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मास्टर गाइडेंस वाला वीडियो में कि मास्टर गाइडेंस वाला चार्ट में कि कितना तक इसका क्लोजिंग रैंक गया है। तो ये देखिए ये हमारा संत कोलंबस का चार्ट हो गया, संत कोलंबस कॉलेज देख लो यार, BC1 में 892, जनरल में तो ये मानो कि 800 में क्लोज हो गया है, 892 BC1 में, BC2 में 865, SC में 2570, ST में 12066, इंग्लिश में मैं बोलना चाहूँ तो 2570 आप समझ पा रहे होंगे, है ना, 12066 ST का गया है, देख लीजिए आप लोग। EWS का 4620, और टोटल सीट्स आप लोग देख रहेंगे 100 के 100 फील्ड मैंने दिखाए थे, क्योंकि 100 लोग ने अप्लाई यहाँ पे कर दिया था,
ठीक है, सभी को यहाँ पे प्रोविजनली सेलेक्ट कर लिया गया था, भले ही एडमिशन इन्होंने कम लिया है। अब ये देखिए, ये 892 वाला डाटा कहाँ जा सकता है, मेरे हिसाब से 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000, बस इतने ही तक वालों को सेकेंड काउंसिलिंग में ये लेने जा रहा है BC1 कैटेगरी के अंदर, और जनरल में हमको लगता है कि 1800 में ये क्लोज कर देगा। तो जिन जिनका भी रैंक 3000 के प्लस है जनरल में, अब अप्लाई करोगे संत कोलंबस के लिए, उसका आशा जब कम है, जब 3000 से प्लस वालों का चांस ऐसे भी कम है, तो जाके 15000 वाले मत सोच लेना कि हमें ये संत कोलंबस आपको मिलने जा रहा है, संत कोलंबस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी का कम गया है, ठीक है। तो ये कॉलेज सेमी गवर्नमेंट में सबसे टॉप पे रहता है, तो आप लोग देख लीजिए 892 865 इतना, तो आप कुछ कुछ बढ़ा के जिनका है वो अप्लाई कर लें। मैं फिर से बता दूंगा, एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सभी CML रैंक को मतलब कि बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दो दिन वेट कीजिए, एक ही दिन वेट कीजिए, मैं हो सकता है आज रात को या कल सुबह तक आप लोग अपलोड कर दूंगा सभी के एग्जाम्पल के तौर पर। जिसका 2000 रैंक है, जो काउंसिलिंग से बचे हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल दूंगा, 1000 रैंक वाले, 500 रैंक वाले, ठीक है, कि कैसे कैसे उनको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर एक 5000 का लूँगा, फिर एक 10000 का लूँगा, ठीक है, 15000 का लूँगा, इस तरह से 25000 तक वाले में कम से कम 10 एग्जांपल को मैं सेट करके बता दूंगा कि किस तरह से कॉलेज डालना है। इसलिए वेट कर लीजिए, मास्टर गाइडेंस वाला वीडियो का अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं ले लीजिए, और खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं अगर मास्टर गाइडेंस वीडियो देखे हुए। क्लोजिंग रैंक देख लीजिए, यहाँ पर मास्टर वाला चार्ट, मास्टर गाइडेंस में जो चार्ट मैंने यूज किया है वही चार्ट की हेल्प से बता रहा हूँ। अभी देखिए EWS का 4620, ये CML रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक नहीं, इतना तक मिला है, तो आप ये समझिए कि जिनका भी 7000 तक चांस है वो चांस ले सकते हैं, जिनका EWS बना हुआ है और 7000 CML रैंक है। बाकी जिनका 15000 अगर रैंक चला गया CML, मैं बोलूँगा मत अप्लाई करो, ये कॉलेज मिलने जा रहा नहीं है, ठीक है, सेकेंड काउंसलिंग में तो आपको कम से कम नहीं मिलने जा रहा है। तो इस हिसाब से अप्लाई करना यहाँ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5000 वाले रैंक वाले भी अप्लाई करेंगे, 6000 वाले भी करेंगे, 4000 वाले भी करेंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो ये कॉलेज डिमांड में अभी भी रहने वाला है, ठीक है, भले सीट फुलफिल हुआ हुआ या नहीं। चलिए और दूसरा कॉलेज का मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। दूसरा कॉलेज देखिए, जो मैं एग्जांपल यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, रांची वुमेंस कॉलेज है, ये आपका रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब ये देखिए यहाँ पे जो एडमिशन ले चुके हैं उसका डाटा है, जो खाली हो चलिए वो मैं देख लेता हूँ। तो देखिए खाली आपको दिख रहा होगा कि जनरल में 16, फिर आप देख पा रहे होंगे EWS में 4, फिर देखिएगा SC ST में यहाँ पे 5 और 6, और फिर BC1 BC2 में 3 6, मतलब 40 सीट खाली है। तो आप यही सोचोगे कि सर मेरा 13500 की जगह में 14000 रैंक है तो मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, तो आप लोग को समझ में आ गया, एक ही एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा कि कितना प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये कॉलेज भी आपको नहीं मिलने जा रहा है कैसे, चलिए मैं आपको फिर मास्टर गाइडेंस वाला का जो चार्ट मैंने यूज किया उसके हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए मैं फिर से चार्ट की हेल्प ले रहा हूं, रांची वुमेंस कॉलेज देख लीजिए, BC1 में कितना में क्लोज हो गया, 1928 आप समझ पा रहे होंगे, जनरल में आप समझिए 1700 में ये क्लोज हो गया, लगभग 1600 में जो भी डाटा होगा इतने के आसपास होगा। आगे देखिए BC2 में 2000 में, फिर देखिए यहाँ पे 7000 के अप्रोक्स, 6800 के अप्रोक्स, और EWS में 12000 के अप्रोक्स, ठीक है, और यहाँ पे 100 सीट अलॉट कर दिया गया था प्रोविजनली, जिसमें से 60-61 लोगों ने एडमिशन लिया है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जब 2000 गया है तो 4000 तक वालों का चांस है जिनका BC1 में है, और जिनका जनरल है जनरल में 3500 रैंक तक का ही चांस यहाँ पे मिलने जा रहा है रांची वुमेंस कॉलेज में, उन्हीं को मिलने का चांस है। 5000 रैंक आपका है, अप्लाई कर रहे हो रांची वुमेंस कॉलेज, कोई काम का नहीं है, आपको मिलने से रहा, ठीक है, सेकेंड काउंसिलिंग में। BC2 का देख लीजिए कितना रैंक गया है, और ये देखिए SC का, ST का, और ये इसका, तो यहाँ पे SC वाले जो 7300 रैंक है, तो आप लोग लगभग समझ सकते होंगे कि 10-12000 रैंक है, 11000 रैंक है, अप्लाई कर लीजिए, अगर सीट ज़्यादा खाली तो मिल सकता है, 11-12000 तक अप्लाई कीजिए। ST में भी 7000 गया है तो लगभग 10-11000 आप भी अप्लाई कर सकते हैं। EWS में देखिए यहाँ पे लगभग 12000 चला गया है, तो आप समझ सकते होंगे कि जिनका EWS में रैंक अगर 20000 भी है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं CML रैंक वाले। तो इस तरह से जिनका भी EWS बना हुआ है उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, इस बार मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और 100 सीट यहाँ पे प्रोविजनली अलॉट कर दिए गए थे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिनका भी जनरल रैंक या EWS रैंक जिनका भी 4-5000 है उनको यहाँ पे मिलना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज का मत देखिए कि कितना वैकेंट रह गया, वैकेंट रह गया तो फिर 1928 के जगह में जिनका 2200 रैंक आया होगा जाके एडमिशन यहाँ पे ले लेंगे, जिनका 2400 रैंक आया है वो यहाँ के एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो फिर 25000 वाला जिसका 15000 रैंक है, 16000 रैंक है, 20000 रैंक है, वो फिर कहाँ एडमिशन लेंगे, उसके बारे में मैं बात करूँगा, थोड़ा सा वीडियो में बने रहे। और एक दो कॉलेज का मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, एक और कॉलेज आप लोग देख सकते होंगे सेंट जेवियर्स कॉलेज, इसका तो बहुत ज़्यादा सीट फिल भी हो गया है, बहुत ज़्यादा लगभग अब 20-25 सीट ही बचा हुआ, आप लोग देख लेना चार्ट में जो आप लोग का सीट मैट्रिक्स वाला डाला गया, लेकिन क्लोजिंग रैंक देख लेना 4000, 3400,
12,500, और यहाँ पे देखिए कितना कितना, तो इनका इनका मैं बता देता हूँ, जिनका भी 5,000-6,000 रैंक है वही यहाँ पे अप्लाई करें बी सी वन में। जनरल में 5,000 रैंक वाले ही अप्लाई करें, 5,500 रैंक तक भी चलेगा आपका, 6,000 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 6,000 रैंक तक वाले ही चांस ले बी सी वन बी सी टू में। एस सी में मैं बता दूँ 20,000 भी रैंक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एस टी में देखिए 7,000 रैंक तक गया है, 15,000 तक भी रैंक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मिलने का आसार आपको है। ई डब्ल्यू एस में देखिए 10,000 है, 6 सीट लेफ्ट बता रहा है, इसका मतलब 20,000 तक वालों को भी मिल सकता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। ई डब्ल्यू एस जिनका भी बना हुआ है उनको कोई भी कॉलेज फिल कर सकते हैं, मिलने का आसार है आपको। तो इस तरह से देखिएगा, अब जिनका रैंक ज़्यादा है वो क्या करेंगे उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। उसके पहले आप देख लीजिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में किसी की नहीं लोगों ने बताया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद रैंक का रैंक मतलब कि 1500 में क्लोज हो गया था, मैं बता दूँ जनरल में या बी सी वन में। तो जिनका भी 3,000 तक रैंक है वो जनरल ओ बी सी वन या बी सी टू में चांस ले सकते हैं। एस सी में देखिए एस सी एस टी में 10,000 रैंक तक वाले भी चांस ले सकते हैं, डी एस पी एम यू, मैं रांची कॉलेज की बात कर रहा हूँ। और ई डब्ल्यू एस वाले तो मैंने बता ही दिया, 15,000-20,000 तक वाले भी चांस ले सकते हैं। अब चलिए मैं जिनका सही में रैंक बहुत ज़्यादा है, 15,000-20,000 रैंक है, ई डब्ल्यू एस जिनके पास है वो और कौन कौन से कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनके पास बी सी वन बी सी टू है और जिनका रैंक आ गया है 12,000-13,000, वो कौन कौन सा कॉलेज टारगेट करें उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे समझ ले रहा हूँ कि चलिए आप रांची में ही रांची यूनिवर्सिटी के ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, मास्टर गाइडेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम में जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर कोई हेल्प की जरूरत है, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में गलत हुआ है, मैं बता दूँ गलत कॉलेज अलॉट हुआ है, किसी किसी को कॉलेज भी नहीं मिला है, तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे जरूर मैसेज कर दे, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, नवाभा लिखा हुआ है, NABAA BHA, ये एक साथ लिखना है आपको, एक साथ लिखिएगा नवाभा, और वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग रैंक सबका मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है, मास्टर गाइडेंस वीडियो जरूर देख लिया कीजिए। अब कैम्ब्रिज, तो जिनका भी 12,000 तक रैंक है जिनका जनरल में, मैं बोलूँगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं कैम्ब्रिज में, ठीक है, या 14,000-15,000 तक वाले भी कर सकते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे क्लोजिंग रैंक लगभग 8,000 है, ठीक है, लेकिन जिनका 20,000 से ऊपर चला गया है वो कैम्ब्रिज में, उनको भी मुश्किल होगा एडमिशन सेकंड काउंसलिंग में लेने में। अब ये देखिए ये बी सी वन बी सी टू का है, लेकिन एस सी एस टी वाले या ई डब्ल्यू एस वाले कितना भी रैंक है, 25-30,000 भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं कैम्ब्रिज के लिए, ठीक है। उसी प्रकार जिनका 20,000 रैंक है मैंने बता दिया, अब जिनका सही में जनरल रैंक 20,000 है तो वो इस कॉलेज को भी देख सकते हैं, भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे ऐसे कॉलेजों को चुन चुन कर डालिएगा, जैसे किसी का 20,000 रैंक है तो मैं यही बोलूँगा कि आप ये चारों डालिए, ये 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 और ये, जिसमें से सबसे टॉप में डालिएगा कैम्ब्रिज, फिर डालिएगा जेडी नेशनल, फिर डालिएगा आप फातिमा, फिर डालिएगा भारती कॉलेज, तो यहीं से आपको मिल गया लिस्ट, ठीक है। कार्तिक उराव भी आप लोग डाल सकते हैं सबसे टॉप पे, तो इस तरह से करके आपको डालना है, ठीक है, अपने रैंक के हिसाब से। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि सर एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने बताया कि लगभग 10 से 15 एग्जाम्पल के तौर पर कि कितना कितना रैंक है, किस तरह से आप लोग को मतलब कि करना है काउंसलिंग, अगर हेल्प चाहते हो, अगर वो वीडियो का अलग आप लोग का रिक्वेस्ट आया तो मैं जरूर करूँगा। फिलहाल आपको रफ रफ आइडिया दे दिया हूँ, इससे भी आप लोग कर सकते हैं अपना क्लोजिंग रैंक देख के। तो मास्टर गाइडेंस वीडियो आप लोग जरूर देख लिया कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो जो लोग नहीं देखे और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीट मैट्रिक्स का आप लोगों को झोल समझ में आ ही गया होगा कि सीट मैट्रिक्स से आपको कुछ फायदा बहुत विशेष नहीं होने वाला है। यहीं पे मैंने मास्टर गाइडेंस वीडियो में ही जो भी लमसम आने वाला था कट ऑफ रैंक वो मैंने यहां पे आपको एक्सपेक्टेड बता दिया था कि आप लोग जितना भी है लगभग जैसे 8,000 है तो 12,000-13,000 तक वाले यहां पे एडमिशन में मतलब काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक भी चांस है। तो इस तरह से आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि 25,000 रैंक है और कैम्ब्रिज के भरोसे सिर्फ एक डाल दिए हैं कैम्ब्रिज में और यहाँ एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा, तो वो सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इंस्टाग्राम में जुड़ जाएं और चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाएं आप लोग, ठीक है, धन्यवाद।